चलूंगी। कैसे क्या चलती है? बैल अच्छी चलती। देखिए दोस्तों सृष्टि क्या खा रही है, क्या खा रहे हो आप? आइसक्रीम। आइसक्रीम खा रहे हो? कौन? यही होता है फैमिली का प्यार। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आशु बेट्स अंजू ब्लॉग में। तो आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और यहाँ मेरी सृष्टि को आप लोग देखिए, ये मुझे चप्पल पहना रही है। देखिए अपना चप्पल मुझे पहना रही है। तो पहनाओ, चलो कैसे पहनाओगी बताओ? मेरे साइज की चप्पल में आने वाला है वो भी देखिए। तो देखिए दोस्तों, जब से इनको ये जूता ला के दिए हैं हम लोग, सिर्फ यही पहनती है। जब मैं खरीद रही थी ना, तब ये नहीं पहन रही थी उस टाइम पे। और जब घर पे आ गया तब देखिए कैसे उसको छोड़ती ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ तो उसमें लाइट जलता है और उसको कंफर्टेबल भी हो गया है पहन के चलने में। और ये क्या है ना, ये वाला सैंडल इसको फिसलता है कहीं कहीं पे, इस वजह से ना ये इसको छोड़ दी पहनना। अब इसका पैसा तो वेस्ट हो गया, जब से वो मिला है तब से इसको पूछ भी नहीं रही है वो, है ना। बच्चों में भी वही हाल है कि नया मिला तो पुराना छोड़ दो, है ना। देखिए उसका कैसे ये खोल रही है। बैकरो क्यों खोल रहे हो? बंद कर रहे इसके लिए हाथ में। लो बस इसमें जूता पहना है। तो देखिए दोस्तों, आजकल हाथ में भी चप्पल पहना जाता है मेरी बेटी की तरह। देखिए मम्मी ये उल्टा है। उल्टा है ऐसे पहन। अभी ये मुझे सिखाएंगे जूता पहनना ऐसे। हाँ। लो ऐसे से चलूंगी, ऐसे ऐसे गुनू ऐसे से चलूंगी। ऐसे क्या चलती है? बैल अच्छी चबाक। तो दोस्तों मैं बनाने जा रही हूँ सोयाबीन की सब्जी, पूड़ी और सेवई। खीर में बनाती हूँ देखिए। हाँ बेटा, तो देखिए कैसे मैं जब वीडियोस बनाती हूँ तो कैसे आके मुझे परेशान करती है। देखिए बस खेलने के लिए। ओ मैं तो उठ गई है, थक गई। बस सृष्टि ने मुझे उठा दिया। तो मैं जाती हूँ बनाने के लिए और आपको उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलिए। तो देखिए दोस्तों सृष्टि क्या खा रही है, क्या खा रहे हो आप? आइसक्रीम खा रहे हो? कौन दिलाया आइसक्रीम आपको? कौन दिलाया बेटा? डैडी ने दिलाया आपको आइसक्रीम। हाँ। तो ये अपने डैडी के साथ गई थी दुकान पर, यही पास में ही, मुझे दूध मंगवाना था तो वो साथ में गए थे। तो इनके लिए लेकर आए आइसक्रीम। तो ये कप कप खा रही है, सबको खिला दो, बोल दो आ जाओ खा लो। आ जाइए आप सभी, खा लीजिए मेरी गुड़िया के साथ आइसक्रीम, है ना। आइसक्रीम तो सब बच्चों को बहुत पसंद आता है, तो मेरी गुड़िया को भी पसंद है। बचपन में तो ऐसा हाल करती थी ना, अभी तो नहीं करती, पहले करती थी, कि अगर आइसक्रीम मिल जाता था ना तो उससे कोई ले नहीं सकता है, अगर ले लिया हमने तो देखो हंगामा कर देती थी पूरे घर में, है ना। मैं कभी आपको उसका क्लिप दिखाऊंगी, जब वो आइसक्रीम खा रही होती तो हमने ले लिया था, इतना चिल्ला रही थी कि क्यों लिया हमारा आइसक्रीम, बहुत छोटी थी जब वो, है ना सिस्टू। तो देखिए दोस्तों ये लड़की मेरे मुँह पे पूरा आइसक्रीम लगा दी है। तो देखिए दोस्तों बहुत ही कड़ाके की धूप निकली हुई है, कुछ दिनों से बारिश नहीं हो रही है ना, इस वजह से इतना गर्मी लग रहा है, बहुत ज़्यादा ही गर्मी का मौसम हो रहा है। और कभी कभी हवा चल रही है, कभी नहीं चल रही है, कभी बंद हो रही है हवा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कैसा मौसम है। और ये मौसम अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, इतना तो दोपहर भी नहीं हुआ है जितना तो इतना धूप कड़ाके की निकली हुई है। तो देखिए दोस्तों सृष्टि के न्यू जूते लिए थे हमने, तो ये काफ़ी अच्छा लाइट जलता है। देखिए एक का बंद हो गया, दोनों चलो, देखिए दोनों का चालू हो गया। सही से रहो। ओ हो वाह, उसमें नीचे एक बटन रहता है शायद, उसको वो पैर से दबता होगा तलवे से, इस वजह से। देखिए कैसे कूद रही है लड़की मेरी। तो दोस्तों चलिए बनाते हैं हम खाना, खाना बनाने का टाइम हो चुका है। और ये आप जो साइड में देख रहे हैं इसको, इसमें मैंने इडली बनाया हुआ था, इडली का साँचा है ये। तो ये मैं इसका वीडियो नहीं दे पाई क्योंकि मुझे काफ़ी देर हो रहा था, उस वजह से मैंने उस दिन उसकी रेसिपी नहीं डाली। लेकिन फिर कोशिश करूंगी कि आप लोगों को मैं इडली की रेसिपी दूँ, और बहुत जल्दी बनने वाली, समझ लीजिए मैंने उस दिन एक घंटे में मेरा इडली सांभर और चटनी बनाया था साथ में, एक घंटे के अंदर मेरा पूरा बन गया था। और मैंने वो इडली चावल की बनाई थी जो कि इंस्टेंट इडली थी चावल की, तो मैं आप लोगों के साथ जरूर एक दिन शेयर करूंगी उसकी रेसिपी। तो अभी चल रहा है पितरपक्ष का दिन, मतलब 15 दिन तो पितरपक्ष रहने वाला है, तो इसीलिए मैं नहा के आ चुकी हूँ, नहा के ही हम खाना बनाएंगे इस बीच। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ और अब जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। तो दोस्तों पहले से ही मेरे पास कुछ दूध पड़े हुए हैं, आधा लीटर दूध मेरे पास पहले से है, तो मैं और आधा लीटर दूध मैं मंगवा चुकी हूँ। तो पहले जो मेरे पास दूध पहले से है उसको मैं एक बार बॉईल कर लेती हूँ, और इस वाले पैकेट को मैं दूसरे वाले बर्तन में बॉईल करके आपको बताती हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने दूध बॉईल होने रख दिया है, अब मैं इस पैकेट का दूध भी दूसरे वाले बर्तन में डाल देती हूँ।
तो दोस्तों ये मैंने भगोना ले लिया है और अब इसमें मैं ये दूध की थैली फाड़ कर डाल देती हूँ। और अगर मैंने पहले वाले दूध में अगर इसको मिला दिया होता ना तो ये दूध फाड़ देता वो वाला भी, इसीलिए अगर वो दूध फटेगा तो सिर्फ उतना ही फटेगा, ये वाला दूध तो रहेगा हमारे पास। मैंने दूध खाली कर लिया है पैकेट में से और अब मैं चलती हूँ इसको बॉईल कर देती हूँ। तो जब तक मेरा ये दूध बॉईल हो रहा है दोनों के दोनों, तब तक मैं सेवई निकाल लेती हूँ क्योंकि मुझे आज सेवई बनाना है। तो देखिए दोस्तों ये है मेरे पास सेवई, तो मैंने सेवई ले लिया है और इसमें जो डालना है वो मैं ले लेती हूँ। इसमें मैं डालूंगी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और चीनी, दूध तो है ही हमारे पास, बस इन सब चीजों से ये बन जाएगा। तो चलिए मैं सब फटाफट सामान इकट्ठा कर लेती हूँ। तो दोस्तों मेरा दोनों दूध उबल चुका है और अब मैं इसमें आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या लिया हुआ है। तो ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हुए हैं, काजू और बादाम थोड़े से ही चाहिए मुझे, इतना ज़्यादा नहीं बनाने वाली हूँ मैं सेवई, तो थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। ये मेरा सेवई है और ये मैंने चीनी ले लिया है और जिसमें सेवई को मुझे भुनना है तो उसको मैं घी में भुनूंगी, तो ये मैंने घी ले लिया है। तो चलिए फटाफट से इसकी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने ये भगोना ले लिया है, मैं इसी के अंदर सेवई बनाऊंगी। तो मैं फटाफट से इसको गैस पर रख देती हूँ और इसमें थोड़ा सा डाल देती हूँ घी। आप लोगों को सेवई ज़्यादा अच्छी लगती है या खीर, कमेंट करके बताइएगा, मुझे दोनों ही अच्छी लगती है। अभी मेरे पास सेवई पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा सेवई बना देते हैं। तो मैंने सेवई को अच्छे से तोड़ लिया है क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी सेवई आती है तो वो इसमें नहीं होएगी, इस वजह से इसको मैंने तोड़ लिया है। और अब हम इसको डाल देते हैं इस भगोने में, घी हमारा गर्म हो चुका है और इसको हमें अच्छे से भुनना है धीमी आंच पर, नहीं तो ये जल जाएगा। अब प्लीज़ आप लोग हमें भी सपोर्ट करिए क्योंकि हम भी उतनी ही मेहनत करते हैं जितनी और ब्लॉगर करते हैं। तो देखिए दोस्तों मेरी सेवई भुन चुकी है और अब मैं इसमें डाल देती हूँ चीनी, जितना मुझे स्वाद अनुसार चीनी चाहिए मैं डाल देती हूँ, जितना मुझे मीठा चाहिए। तो दोस्तों मैं चीनी डाल दे रही हूँ। दोस्तों अब मैं डाल रही हूँ दूध, तो मैंने पूरा 1 लीटर दूध डाल चुकी हूँ इसके अंदर और अब अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। तो जब तक मेरा ये सेवई पक रहा है जब तक मैं सारे अपने ड्राई फ्रूट्स काट लेती हूँ। तो दोस्तों मेरा ड्राई फ्रूट्स कट चुका है, मैंने इसमें डाल दिया है, अब इसको अच्छे से मिला देती हूँ। और अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ इलायची, इलायची डालने से थोड़ा अच्छा स्वाद आ जाता है तो मैं उसमें छिलके नहीं डालूंगी, सिर्फ अंदर के बीज डालूंगी। तो चलिए दोस्तों मैं इलायची को फटाफट से कूट लेती हूँ। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इलायची को हम इसमें डाल देते हैं और अब इसको थोड़ी देर पकने देते हैं, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे नहीं तो। चलिए दोस्तों अब बना लेते हैं हम सब्जी। सब्जी में क्या बनाने वाली मैं आपको बताती हूँ, मैं बनाऊंगी सोयाबीन की सब्जी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं सोयाबीन को भिगो के रख देती हूँ। तो दोस्तों ये मेरा सोयाबीन है और मैं इसको भिगो देती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों मैंने ये सोयाबीन इसमें निकाल लिया है, तो जब तक हम अपनी सब्जियाँ काटेंगे जब तक हम इसको भिगा के रख देते हैं ताकि ये कुछ फूल जाए अच्छे से। तो चलिए भिगा देते हैं फटाफट। तो देखिए दोस्तों मैंने इसको एक पानी से धो लिया है और अच्छे से भिगा दिया है। तो दोस्तों हमारी सोयाबीन की सब्जी में पड़ने वाले हैं ये सब सब्जियाँ, तो देख लीजिए आप लोग, प्याज, टमाटर, धनिया, मिर्ची, आलू और लहसुन। अदरक हो तो अदरक भी आप डाल सकते हैं लेकिन इस बीच मेरे पास नहीं है। और इस बीच धनिया का भाव एकदम चढ़ा हुआ है आसमान पे, 400 रुपये किलो धनिया बिक रही है इस बीच, क्यों पता है? क्योंकि कई जगह पे बाढ़ आया और बहुत फसलें खराब हो गई हैं, शायद इस वजह से सब्जियों का दाम थोड़ा महंगा हो गया है। तो ये तो हमें फ्री की मिली हुई है तो हम डाल दे रहे हैं, नहीं तो खरीदेगा कौन भाई 400 रुपये किलो धनिया। तो चलिए हम फटाफट से इन सब सब्जियों को धो लेते हैं, छील लेते हैं, काट लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने धोने वाली सारी सब्जियां धो ली हैं और इसको जो छीलने वाला है मैंने सब छील लिया है, आलू को, प्याज को और लहसुन को, मिर्च को काट लिया है, टमाटर को काट लिया है, मतलब इसका ये आगे का ये आंखें काट ली है, धनिया साफ कर लिया है। तो मैंने ये सब पूरा तैयार कर लिया है, अब मुझे सिर्फ इसको काटना रह गया है। तो चलिए इसको फटाफट से हम काट लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग ने देखा कि सृष्टि को इसकी डैडी ने आइसक्रीम लेके आकर दिए थे, तो वो मेरे लिए भी लेकर आए थे, देखिए खाली उसके लिए नहीं लाए थे, मेरे लिए भी लाए थे आइसक्रीम। और मैंने उनको बोला कि आप अपने लिए क्यों नहीं लेकर आए, तो बोलते नहीं मैं सिर्फ आप लोग के लिए लेके आया हूँ। और फिर तो वो जब इतना प्यार से मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आए, मेरी बेटी के लिए लेकर आए, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि उनको मैं रखूँ। तो ये मैं आइसक्रीम उनको रख देती हूँ, जब वो आएंगे तो हम दोनों साथ में मिलकर खाएंगे। और सृष्टि अपना आइसक्रीम फिनिश कर चुकी है, आप लोगों ने देखा ही है, थोड़ा सा मैंने भी उसके वजह खा लिया था, तो जब हम खाने लगेंगे तो उसको दे देंगे। तो यही होता है फैमिली का प्यार, तो ऐसे ही आप सब भी अपनी फैमिली को प्यार करिए और खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। तो कुछ चीज़ें इसमें से मुझे पीसना है क्योंकि मैं रसेदार सब्जी बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए मुझे मिक्सर ग्राइंडर में कुछ चीज़ें पीस के डालनी है। दोस्तों मैंने अपना मिक्सर जार ले लिया हुआ है और अब मैं इसमें डाल देती हूँ जो पीसने वाली चीज़ें हैं। तो जो पीसने वाली चीज़ है उसको हमें बड़ा बड़ा करके काटना है, मतलब रफली काटना है, ऐसे जैसा मन करे काट दो।
क्योंकि हमें उसको पीसना ही है। तो ये प्याज की हम आँख निकाल देते हैं और फटाफट से इसको हम बड़ा बड़ा काट देते हैं। आप लोग ये ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आप लोग के यहाँ कौन सी सब्जी महंगी हुई है। इस बीच अक्सर करके सब्जियों का दाम महंगा हुआ है, मेरे यहाँ तो ज़्यादातर धनिया महंगी हो गई है। आप लोग के यहाँ कौन सी सब्जी महंगी हुई है? आँख में बहुत आँख में लगती है प्याज जो हो। तो देखिए दोस्तों कौन कौन सी सब्जी लगने वाली है मैं आपको बता देती हूँ। तो मैं सबसे पहले सोयाबीन की सब्जी में डालने वाली हूँ एक आलू, एक प्याज को हम पीसेंगे और एक प्याज को हम बारीक काट लेंगे, और दो टमाटर, थोड़ी सी धनिया गार्निशिंग करने के लिए भी और पीसने के लिए भी, 3 से 4 मिर्च, आप जिस तरह का तीखा खाना पसंद करते हो उस तरह का आप डाल दीजिएगा, और 15 से 20 मैंने कली लहसुन के लिए हुई है। तो देखिए दोस्तों ये लहसुन फटाफट से जार में डाल देती हूँ। एक प्याज को मैंने इसमें पीसने के लिए डाल दिया है, एक लहसुन को भी मैं इसमें डाल देती हूँ, और डाल देती हूँ मैं ये सारी मिर्च जो मैंने ली हुई है, मेरी मिर्च तीखी है, बस थोड़ी सी इसमें से धनिया डाल देती हूँ। और अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ कुछ मसाले, तो चलिए दिखाती हूँ आपको कौन कौन से मसाले डालने वाली हूँ मैं। तो देखिए दोस्तों मैं इसमें डालने वाली हूँ थोड़ा सा गरम मसाला, मुझे अंदाज हो गया है कि कितना डालना है, इस वजह से मैं चम्मच का इस्तेमाल नहीं करती मेजरमेंट का, तो ये मैं अंदाज से गरम मसाला डाल देती हूँ। ये गरम मसाला अगर मैं थोड़ा ज़्यादा भी डाल देती तो इसमें कड़वापन नहीं आता है, यह हमारे गले में नहीं लगता है, क्योंकि ये गरम मसाला है गोल्डी का, तो मुझे बहुत पसंद है ये मसाला। और मैं डालूंगी थोड़ा सा जीरा, और डालूंगी थोड़ा सा धनिया पाउडर, तो धनिया पाउडर डाल देती हूँ, और डालूंगी थोड़ी सी हल्दी। तो मेरे मसाला पीसने का जो भी सामान चाहिए था वो सब हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी पानी और इसको पीस लूंगी। तो देखिए दोस्तों हम इसको अच्छे से पीस लेते हैं बारीक। तो देखिए दोस्तों मसाला हमारा पीस चुका है, और अब हम इसको रख देते हैं और चलते हैं जो सब्जी हमें काटने लायक है वो हम काट लेते हैं फटाफट से। और इस आलू को हमें ज़्यादा बारीक नहीं काटना है, थोड़ा सा मोटा ही रखना है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने आलू के पराठा वाला वीडियो मेरा नहीं देखा है, रोजमर्रा की जिंदगी, और साथ ही मैंने उसमें आलू के पराठे बनाने भी सिखाए हैं और वो बहुत स्वादिष्ट बनते हैं, एक बार आप ट्राई करके जरूर देखिएगा, तो जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों मेरी सारी सब्जियां कट चुकी हैं, टमाटर, प्याज, आलू और धनिया। तो चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। और मैं रख देती हूँ ये कढ़ाई, और ये कढ़ाई मेरी पीतल की है, लेकिन इसमें ये जो अंदर आप एल्यूमिनियम जैसा देख रहे हैं ना, ये है कढ़ाई किया हुआ। तो देखिए दोस्तों कढ़ाई मेरी गर्म हो रही है, अब मैं इसमें डाल देती हूँ तेल। मैं इस सब्जी को बनाऊंगी राई के तेल में, क्योंकि ये सब्जी राई के तेल में ही ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं तेल डाल देती हूँ। तो मैं अपने सब्जी के अनुसार मैं तेल डाल रही हूँ। तो देखिए दोस्तों जब तक मेरा तेल गर्म हो रहा है, जब तक मैं अपने सोयाबीन को छान लेती हूँ पानी में से अच्छे से, तो इसका सारा पानी मैं अच्छे से निचोड़ लूंगी। तो देखिए दोस्तों ये मेरा सोयाबीन है और मैंने इसके पूरे पानी को निचोड़ के निकाल लिया है। तो देखिए दोस्तों तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं सोयाबीन को डाल के उसमें तल लेती हूँ। तो दोस्तों हमें इसको अच्छे से भून लेना है, जब ये हल्का सा गोल्डन हो जाएगा तब हम इसको निकाल लेंगे। तो दोस्तों आप लोग इस तरह से जरूर एक बार सब्जी बनाकर देखिए, बहुत अच्छी लगेगी आपको। तो हमारा ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब मैं इसको प्लेट में निकाल देती हूँ। तो दोस्तों मेरा ये निकल चुका है सोयाबीन तल करके अच्छे से फ्राई हो करके। अब मैं फिर से कढ़ाई में तेल डालूंगी और फिर से हम सब्जी को फ्राई करेंगे। तो मैंने तेल ले लिया है, अब मैं इसको फटाफट से डाल देती हूँ तेल। तो मैंने तेल डाल दिया है, मेरा तेल गर्म हो रहा है। तो देखिए दोस्तों मेरा तेल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें डाल देती हूँ जीरा। तो जीरा मेरा तड़क रहा है और मैं हल्का सा डालूंगी इसमें हींग। हींग का इस्तेमाल करना चाहिए खाने में, बहुत अच्छा रहता है, पेट का पाचन अच्छा रहता है। और मैं डाल देती हूँ प्याज। दोस्तों मेरा प्याज भून रहा है, जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब मैं इसमें डालूंगी अपने मसाले। तो दोस्तों मेरा प्याज लाल हो चुका है, अब मैं डाल देती हूँ इसमें मसाले। मसालों को हमें हल्का सा भूनना है, और ये इन सब में भी लगा हुआ है, मैं निकाल लेती हूँ। तो दोस्तों मैंने अपने मसाला इसमें डाल दिया है, अब इसको अच्छे से भूनना है। तो दोस्तों हमारा पूरा मसाला सूख चुका है अच्छे से, और अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर, क्योंकि पक चुका है हमारा मसाला, अब मैं डालूंगी टमाटर। तो टमाटर को भी डाल के हमें अच्छे से पकाना है, और अब मैं डालूंगी टमाटर का थोड़ा सा नमक, ताकि हमारा टमाटर जल्दी से गल जाए। अब मैं पूरा स्वाद अनुसार नमक डाल देती हूँ। इस सब्जी को थोड़ा मैं पानी वाला ही बनाऊंगी, क्योंकि रसे वाली सब्जी बनाने जा रही हूँ। तो देखिए दोस्तों मेरा मसाला अच्छे से भून चुका है, अब मैं इसमें डाल देती हूँ अपने सोयाबीन जो मैंने फ्राई करके रखे हुए हैं, और डाल देती हूँ अब ये आलू, और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं मसालों के साथ। तो दोस्तों मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है, आप लोग देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो दोस्तों अब मैं इसमें डाल देती हूँ पानी,
तो ये रहा मेरा पानी, मैंने जार में ही ले लिया है क्योंकि थोड़े बहुत मसाले इसमें लगे हुए थे, तो मैं ये पानी उठाकर इसमें डाल देती हूँ। तो दोस्तों मैंने पानी डाल दिया है, अब इसको बॉईल होने देते हैं और इसको पकने देते हैं, जब तक मैं अपना आटा लगा लेती हूँ पूड़ी बनाने के लिए। तो दोस्तों मैं इसको इसे ढक देती हूँ और इसको मीडियम आंच पर पकने देती हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने आटा ले लिया है, अब मैं इसको फटाफट से लगा लेती हूँ पूड़ी का आटा। तो देखिए दोस्तों मेरा आटा लग चुका है, अब मैं चलती हूँ फटाफट से पूड़ियाँ बनाने के लिए। तो पूड़ी मैं बनाऊंगी नीचे वाले गैस पर, ताकि और एक तरफ मेरा ये सब्जी पक रहा है। तो देखिए दोस्तों पूड़ी मैं नीचे बनाऊंगी गैस पर और मैं मीठे तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो देखिए दोस्तों ये है आटा, मैंने पैसा नहीं लिया हुआ है क्योंकि मैं तेल से ही पूड़ी बेल लूंगी फटाफट से। तो जब तक मेरा तेल गर्म हो रहा जब तक मैं पेड़े बना लेती हूँ। तो मैं ज्यादा बड़ी बड़ी पूड़ी नहीं बेलती हूँ, इसीलिए मैं छोटी छोटी लोइयां बना रही हूँ। अगर आप लोग बड़ी पूड़ी बेलते हैं, बड़ी पूड़ी पसंद करते हैं खाना, तो आप लोग ज्यादा लोई बना सकते हो ज्यादा मात्रा में। और पूड़ी का आटा मैंने सेम जैसे रोटी के लिए लगाती हूँ, उससे हल्का सा टाइट लगाया है क्योंकि रोटी का आटा मैं थोड़ा ज्यादा ही ढीला लगाती हूँ। तो फटाफट से मैं पेड़ा बना लेती हूँ, उसके बाद आपको मिलती हूँ। तो दोस्तों मैंने काफी लोइयां बना ली हूँ और अब मैं एक पूड़ी बेल ली हूँ, देखिए गोल गोल पूड़ियाँ। तो ये मैं बेल ली हूँ, अब मेरा तेल गर्म हो चुका है, मैं थोड़ा सा आटा लगा के डाल देती हूँ। तो मेरा तेल गर्म हो चुका है और अब मैं फटाफट से अपनी पूड़ियाँ तल लेती हूँ। तो हल्की मेरी पूड़ी लाल हो जाएगी तब मैं निकाल लूंगी, ऐसे ही करके मैं अपनी सारी पूड़ियाँ बेल लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों मेरी पूड़ी जैसे लाल लाल बनी है, ऐसे ही हमें सारी पूड़ियाँ बनानी है। और सारी पूड़ियाँ अच्छे से फूली, ऐसा ध्यान रखें वो फूलेगी क्योंकि आटा अच्छा से लगा हुआ है। देखिए दोस्तों मेरी पूड़ी अच्छे से निकल रही है। तो देखिए दोस्तों मेरी पूड़ियाँ कितनी अच्छे से निकल रही है, पूरी लाल लाल हो रही है। तो मैं ऐसी ही पूड़ियाँ निकालनी है, देखिए। और इसमें भी देखिए डालने के बाद भी मेरी पूड़ियाँ एकदम लाल ही लाल है, एकदम फूली फूली है। तो देखिए दोस्तों, दोस्तों मैंने पति देव जी को खाना परोस दिया है, इन्होंने खा लिया है, अब ये बताएंगे कि खाना कैसा बना है। एक नंबर खाना था, स्वादिष्ट टेस्टी हेल्दी, आप भी बनाओ, आप भी खाओ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, थैंक यू। तो दोस्तों आज का ब्लॉग बस इतना ही रखते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए, खुश रहिए, खुशियां बांटिए और अपना प्यार हमें दीजिए और अपने परिवार को दीजिए। तो चलिए बस, अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। तो चलिए बाय।